नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम UP SSC पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए राजपूत वंश के बाद में आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसी के बाद में आपका रहेगा मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल साम्राज्य के बाद में रहेगा मराठा। तो हम जो आज कवर करने वाले हैं वो दिल्ली सल्तनत को कवर करने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक हम आपके साथ रहते हैं, ठीक है? तो सभी लोग जो चैनल पर नए हैं बने हुए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको भी पूरी तैयारी अगर करनी है यूपी पैट की तो वो यहाँ से ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है डेट लास्ट भी नहीं है और हम इतिहास को कंप्लीट करा चुके हैं लगभग, ठीक है? और हम लगातार पेपर से पहले पूरे कोर्स को कराएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक दिन में 2 क्लास 3 क्लास भी हम आपको यहाँ से उपलब्ध कराएंगे, ठीक है? बट हमारा मकसद है आपको अधिकारी बनते हुआ देखते हुए, ठीक है? तो दोस्तों, आज जो हमारा इतिहास का एक टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में आपको मैं बता दूं कि ये दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरू होगी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम पर जो हमने पढ़ा था तो पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी यानी कि तुर्कों का आक्रमण भारत पर हो गया था, ठीक है? तुर्कों का आक्रमण भारत पर हो गया था और मोहम्मद गोरी से लगातार तराइन के युद्ध लड़े, यानी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है? लड़ने के बाद में एक आपका चंदावर का युद्ध भी हुआ 1194 में, जयचंद के साथ हुआ था, ठीक है? उनके बाद में क्या हुआ कि गोरी जो है, गोरी का अंतिम, ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ से, गोरी का अंतिम आक्रमण जो था वो 1205 को था। 1205 को कहाँ पर था? पंजाब के खाखुर जाति के लोगों पर था, ठीक है? इस जाति के बाद में जब वह वापस यानी कि जब भारत से जब यह वापस जा रहा था तुर्क के लिए, तब सिंधु के निकट हमलावरों ने इसकी हमला कर दी थी, मृत्यु कर दी थी, ठीक है? इसके बाद में गोरी का जो साम्राज्य था वो 3 गुलामों के ऊपर रह गया था। कितने गुलामों के ऊपर? 3। उन 3 में से ही एक गुलाम जो थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही भारत में क्या रखते हैं? दिल्ली सल्तनत की नींव रखते हैं, यानी कि गुलाम बंद की नींव रखते हैं, ठीक है? तो पहले तो हम यहाँ से जोड़ रहे हैं बात कि गोरी का अंतिम आक्रमण जो था वो 1205 से कहाँ था? पंजाब के काखुर जाति के लोगों पर था। और भारत से वापस जाते समय कहाँ? तुर्क वापस जाते समय जो है सिंधु नदी के निकट जो है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद 3 गुलामों में से एक तो याकतूर थे, ठीक है? याकतूर जो थे वो भारत से बाहर शासन करते थे और उन 3 में से एक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है? इन्होंने ही भारत में जो है आक्रमण मतलब भारत में साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है? अब बात करने वाले हैं कि तुम्हें पता चल गया है कि कैसे ये लोग भारत में अपने पैर जमाए, ठीक है? अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हैं। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हैं, तो दिल्ली सल्तनत में कुल वंश मैं आपको यहाँ कुल वंशों के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ और वो ट्रिक याद कर लेना आप। गुखी तो सैलो, ठीक है भैया? गुखी तो सैलो। और कितने वंश हैं यहाँ पर? अगर टोटल बात करें तो कितने हैं? 5 यहाँ पर वंश हैं, याद रख लेना, ठीक है? तो गुखी तो सैलो यानी कि ट्रिक अलग अलग बना देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। अब इसका शासन जो था वो कितने तक था? तो 1206 से 1290 तक इनका शासन था। और कौन थे इसके संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे तो गुखी से हो गया, फिर आ गया खिलजी वंश, ठीक है? इसकी जो टाइम अवधि था वो कितना था? 1290 से लेकर 1320 तक था। और इनके कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक हैं, तो आप इनको नोट करते रहना। तीसरे जो थे वो कौन था? तुगलक वंश,
ठीक है भाई, इसमें कप्स कितने कितने थे? 1320 से 1400 कितने तक? 14 तक, कहीं कहीं 12 भी मिलेगा, 2 वर्ष का संघर्ष चला था। फिर यहाँ पर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। चौथे पर जो थे वो कौन थे? सैयद वंश। और यहाँ पर कौन, इनका शासन कब तक चला था? इनका चला था 1451 तक। और यहाँ पर कौन थे? खिजर खां ये संस्थापक थे। पांचवा जो बात आएगी वो किसकी आएगी? लोदी वंश। और लोदी वंश का शासनकाल कब से रहा था? 1451 से लेकर 1526 तक। इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक की अगर हम बात करें तो आपके थे बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी। ठीक है भाई, तो ये हो चुके हैं आपके पूरे वंश की बात। यहाँ से अब यहाँ से देखिए, गुखेते सालों गुसा गुलाम वंश, खैसा खिलजी वंश, तैसा तुगलक वंश, सैसा सैयद वंश और लौसा लोदी वंश। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो कवर। दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंश, ट्रिक आपकी हो चाहिए गुखी तिसैलो, संस्थापक आपके आ चुके हैं गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 1206 1290 से 1320 से 1414 1451 1451 से 1526 तक। इसमें सबसे ज़्यादा शासन जो किया था वो किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। सबसे ज़्यादा शासन जो किया था किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। सबसे कम जो किया था वो खिजर खान, किन्ने किया था? सैयद वंश ने। तो सबसे कम। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा वंश जो बनकर आया था वो तुगलक वंश बना था, और सबसे कम जो बना था वो किसने, कौन सा था? सबसे कम जो था वो, सबसे छोटा जो था वो कौन सा था आपका? वो था खिलजी, समझ गए? नहीं, यानी कि सॉरी खिलजी नहीं, सैयद। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? सैयद वंश का। सबसे बड़ा जो रहा था वो किसका रहा था? वो रहा था आपका तुगलक वंश का। तो इतनी बात जो है आपको यहाँ से आ गई होगी समझ में। ठीक है भाई, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलो, इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी है, अब हम एक एक करके जो है इसको पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में हेडिंग डालेंगे? गुलाम वंश के बारे में हेडिंग डालेंगे। आप भी हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, क्या डालेंगे? गुलाम वंश। ठीक है भैया, कार्यकाल कब से कब तक हो जाएगा? 1206 से लेकर 1290 तक, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बात आती है गुलाम वंश की। ठीक है, बात आती है किसकी? गुलाम वंश की। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये सबसे पहले नामकरण की बात कर लेते हैं। गुलाम वंश कैसा नाम पड़ा, समझ गए? नहीं, तो गुलाम वंश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे कुछ विद्वान तो कहते हैं इस वंश को ममलूक वंश। ठीक है, जबकि कुछ आदमी इसे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं इसे दास वंश। क्या कहते हैं? दास वंश। और कुछ इसको जो कहते हैं वो क्या कहते थे? इलवरी वंश। परंतु इलवरी वंश ये था नहीं, इसका मतलब ये कौन थे? एक तो ममलूक वंश और एक दास वंश। इस वजह से हम इसको ममलूक वंश की संज्ञा दे सकते हैं और दास वंश की। और दास को ही हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं, क्योंकि मंगोलों ने एबक को गुलाम के रूप में बेचा था। और जिसे किसने ख़रीदा था? तुर्कों ने इसे ख़रीद लिया था। इस वजह से ये गुलाम था। ठीक है, अब बात आती है गुलाम वंश, इतना नामकरण से हो गया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, इतना आप नोट कर लो, गुलाम वंश के प्रमुख शासक। हमें ये भी पता होना चाहिए गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे एबक की। सबसे पहले बात करेंगे एबक की। एबक ने शासन जो किया था वो किया था 1206 से लेकर 1210 तक। दूसरे नंबर पर जो आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे? इल्तुतमिश
इल्तुतमिस। ठीक है भाई, ये थे 1210 से लेकर, 1210 से लेकर इन्होंने जो शासन किया वो 16 तक किया। कब तक किया? 16 तक। तीसरे नंबर पर जो व्यक्ति आएंगे वो आ जाएंगे आपके इल्तुतमिस के बाद में। अगर हम प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर आ जाएंगे रजिया सुल्तान। कौन आ जाएंगे? 16 तक की बात थी। अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमुख जो थी, अब इसके बाद में शासन जो आ जाएगा वो किसका आ जाएगा? रजिया का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 के बाद में इतना होता नहीं है ऐसा कि, सॉरी 16 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर इल्तुतमिस की बात करें हम, यहाँ तो इल्तुतमिस ने 10 से 36 तक किया था। हमें यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ा, 36 तक। अब बात आती है यहाँ पर कौन? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने कब तक किया था? रजिया सुल्तान ने जो शासन किया था वो किया था 1236 से लेकर 40 तक। रजिया सुल्तान के बाद में जो आते हैं वो कौन आते हैं? ठीक है, वैसे एक इसमें छोटे से जो है ना एक शासक आते हैं, रुकनुद्दीन, उसका हमने जिक्र करा नहीं है। रुकनुद्दीन का जिक्र अभी हमने यहाँ करा नहीं है, क्योंकि इतना कोई ज़रूरी है भी नहीं। इसके बाद में चौथे नंबर पर जो हम आएंगे रजिया सुल्तान के बाद में, वो हम रजिया सुल्तान के बाद मांगे एक प्रमुख शासक के रूप में रहे हैं, जिनका नाम आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा भी, और उनका नाम जो था वो था बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह। बहराम शाह जो रहेंगे 1240 में रहेंगे। बहराम शाह के बाद में आपके जो आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे? वो आएंगे बहराम शाह के बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कब तक रहे थे बहराम शाह? 42 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 42 तक। तो चलो इसको रफ कर देंगे, यहाँ ही लिख देंगे और सारे भी। पाँचवें शासक के रूप में जो आएंगे बहराम शाह के बाद में, वो आ जाएंगे अलाउद्दीन मसूद। 42 में ही रहे थे। कब से कब तक रहे थे? 42 में रहे थे। ठीक है, ये कब तक रहे थे? 1242 में। इसके बाद में आएंगे नसरुद्दीन मसूद। कौन आएंगे? नसरुद्दीन मसूद ये रहे थे 1242 से लेकर 65 तक। कब रहे थे? 65 तक। और सबसे प्रतापी शासक जो आया, सबसे ज़्यादा पावरफुल, वो कौन आए? बलबन। कौन आए? बलबन। ठीक है, इनका जो शासनकाल है वो कब तक है? तो 1266 से लेकर 1266 लेकर आपके 86 तक। कब तक? 86 तक। इसके बाद में 4 साल जो थे वो इनका उत्तराधिकार रहा था, बलबन का उत्तराधिकार। ठीक है भैया, उत्तराधिकार रहा था। तो आपको जो याद रखने, गुलाम बंस में भाई शासक याद रखने हैं, यानी कौन है? ऐबक ने कब करा था? 1276 से लेकर 1210 तक। इल्तुतमिस ने 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है, फिर रजिया सुल्तान से पहले भी एक रुकनुद्दीन थे, उसको छोड़ो, तो यहाँ पर क्या था? रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, ठीक है, उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद, फिर आए नसरुद्दीन मसूद, और फिर आए बलबन। यही शासक आपको याद रखने हैं, गुलाम बंस है। ठीक है, तो हमारा नाम हो चुका है। विद्वानों ने क्या नाम दिया था इसे? ममलूक बंश बताया था, दास बंश बताया। दास बंश को क्या कहते हैं? गुलाम बंश। इलवरी बंश के ये नहीं थे, ठीक है, इलवरी बंश के ये नहीं थे, इसलिए इसे मंगोलों ने ऐबक को गुलाम के रूप में बेचा था। किसको? तुर्कों को। किसको बेचा था? तुर्कों को। तो आप पहले मुझे ये बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई है? इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी पक्का। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी क्या कहानी है। और ठीक है भाई, क्योंकि आप ऐबक को याद रख सकते हो, इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, इल्तुतमिस को याद कर सकते हो, ये काम किया था इन्होंने। फिर रजिया सुल्तान को याद कर सकते हो, इन्होंने क्या काम करते थे। मुख्य बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप में पढ़ने का मतलब क्या है आपको, कि आपने मेंस आपका हो हिस्ट्री, ठीक है, तब तो आप करोगे। परंतु हमें क्या करना है, यहाँ मेंस नहीं करना, हमें पैट की तैयारी करनी है। और इसमें हम मुख्य ऐसी बातें करेंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ भाई सीधा निचोड़ है। सीधा क्या है? निचोड़। चलिए आगे जो है, अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ें। और आगे हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। ठीक है भैया, किसकी बात करेंगे? अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। और ऐबक का शासनकाल आपको पता होना चाहिए, 1206 के 1210 तक, यानी 4 साल तक ही इन्होंने शासन किया था। और ये 4 साल जो है इनका गोल्डन पीरियड रहा था, इनका गोल्डन पीरियड, ना कि मुगल एम्पायर का, फिर गुलाम बंश का, ना कि गुलाम वंश का। चलिए तो रफ कर देते हैं, शुरू करते हैं अब एक एक राजा के बारे में, क्या क्या उन्होंने स्थापत्य करा था, क्या उन्होंने शासन किया था, टोटल बात यहाँ से हम करने वाले हैं भाई। ठीक है भाई, तो गुलाम बंश में सबसे पहले जो वंश आता है, सबसे जो व्यक्ति पहला आता है वो कौन आता है भैया? वो हमारा आता है कुतुबुद्दीन ऐबक।
काल हम लिखेंगे इनका 1206 से लेकर 1210 तक। कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो सबसे पहली बात, ये क्या थे, इन्होंने एक तो मलिक व सिपा सलार की उपाधि धारण की, उपाधि धारण, क्योंकि ये राजा के रूप से नहीं बने थे, ये राजा नहीं बने थे, ये इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो क्या करेंगे, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, धारण नहीं की थी भैया, इन्हें नोट करते रहना बातों को, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो किसे बनाया था, लाहौर, ना कि दिल्ली को, किसे बनाया था, लाहौर को बनाया था अपनी राजधानी, ठीक है। और इनकी उदारता के कारण, उदारता व लाखों का दान करने के लिए, लाखों के दान करने के लिए इन्हें क्या उपाय दी गई थी, लाख बख्श कहा गया था इन्हें, क्या कहा गया था, लाख बख्श, क्या कहा गया था इन्हें, लाख बख्श कहा गया था, क्या कहा गया था भैया, लाख बख्श कहा गया था, ठीक है। आगे अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो देखिए इन्होंने क्या था, इन्होंने सूफी संत, चलो बाद में स्थापत्य कराएंगे, पहले इन्होंने एक और बात कर लेते हैं कि इन्होंने अगर सूफी संत की बात करें तो इनके समय पर 1210 में, 1210 में ये पोलो खेलते हुए, यानी क्या खेलते हुए, पोलो या चोगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर क्या हो गई थी इनकी, मृत्यु हो गई थी। तो पहली बात ये, मलिक और सपा सलार की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, राजधानी लाहौर बनाई, उदारता लाख को दान करने के लिए लाख बख्श, और 1210 में चौगान खेलते घोड़े से गिरकर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इतनी बात आप इसे याद कर लेना, ठीक है भाई, ठीक। अब हम बात करते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की इसमें, तो एक पहली बात ये कि इनका निर्माण, तो देखिए निर्माण की बात करें तो कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरी, ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है। तीसरी, सूफी संत किसके नाम पर, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया, क्या बनवाया, कुतुब मीनार, ठीक है। जबकि अब कुतुब मीनार की बात अगर यहाँ से करें तो देखिए, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण वो किसने करवाया था, इल्तुतमिस ने कराया था। जबकि तूफान के कारण जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसे किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये भी बात थोड़ा सा याद रखना है, ये बात थोड़ी सी याद रखनी है कि कुतुब मीनार की नींव या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। और इसका पूर्ण निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। और तूफान के कारण जो ये बेकार हो गया था तो उसकी कुछ मंजिल जो थी किसने करवाई थी, पूरी फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ तक की बात आ गई होगी आप समझ में, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं एक और बात बता कर चल रहा हूँ, एक और विकट बात है, जो सबसे विकट बात है वो क्या है, एक विकट बात है इनका जो सेनानायक का नाम सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, बख्तियार खिलजी जो था
उसने क्या काम करा था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय क्या करवाया था, ध्वस्त करा दिया था, ध्वस्त करवा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय, क्या करा दिया था, ध्वस्त करवा दिया था। ठीक है भैया, नालंदा विश्वविद्यालय क्या करवा दिया था, ध्वस्त करवा दिया था। तो पहला आप ये बताइए, इतनी बात आपको अगर हो गई हो तो आप इसे कर लो नोट, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो नोट कर लो। और कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया है यहाँ से कम्प्लीट, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से क्या हो चुके हैं, यहाँ से हो चुके हैं कम्प्लीट। ठीक है भाई, क्लियर। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे। ठीक है, समझते रहो बातों को अच्छे तरीके से और बढ़िया बढ़िया बातें चलेंगी, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इसके बाद में जो आए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में वो आए थे इल्तुतमिश। दूसरे नंबर पर कौन आए थे, इल्तुतमिश। कौन आए थे भैया, इल्तुतमिश आए थे। ठीक है, कौन आए थे, इल्तुतमिश। और कब तक का रहा था, 1210 से लेकर 1236 तक का इनका काल था। 1210 से लेकर कब तक का था, 1236 तक का। ठीक है भैया, 1210 से लेकर 1236 तक का था। अब देखो क्या था, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या। सबसे पहली बात ये, इन्हें क्या कहा जाता था, गुलामों, यानी गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम कहा गया इनको। क्यों, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था, कुतुबुद्दीन का ये गुलाम था इस वजह से। ठीक है भैया, कुतुबुद्दीन का गुलाम था, ये बात थोड़ी याद रखना। फिर दूसरा, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत पर पहला तुर्क सुल्तान, पहला तुर्क सुल्तान था। ठीक है, ठीक है भाई, पहला तुर्क सुल्तान था, इतनी बात थोड़ी सी याद यहाँ से कर लेना। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो दिल्ली का, दिल्ली का पहला वह वास्तविक, दिल्ली का पहला वह वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं, या वास्तविक सुल्तान भी कह सकते हैं, सुल्तान भी इसको कह सकते हैं, या गुलाम वंश का पहला वास्तविक सुल्तान भी कह सकते हैं। इसने जो राजधानी थी, राजधानी जो थी वो कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली से कहाँ, सॉरी लाहौर से दिल्ली, कहाँ से बनवाई थी, लाहौर, लाहौर से दिल्ली, लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी बनवाई थी। कहाँ से भैया, लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी बनवाई थी। ठीक है, इतनी बात थोड़ी सी इनकी याद कर लेना। ठीक, फिर इनके समय में क्या था, इन्होंने इल्तुतमिश ने क्या काम करा था, तुर्क ए चहलगानी, तुर्क ए चहलगानी, यानी कि अपने अपने विश्वासीय 40 सरदारों का एक समूह बनाया था, संगठन बनाया था, तुर्क ए चहलगानी। ठीक है, जो बलबन बाद में इसे ख़त्म करते हैं। ठीक है भाई, और एक और प्रथा थी जिसे हम कहते हैं एकता प्रथा, एकता प्रणाली, या एकता प्रणाली जो सबसे पहले एकता प्रणाली शुरू की थी, जो सबसे पहले किसने की थी, गोरी ने की थी। ठीक है, सबसे पहले किसने की थी, एकता प्रणाली गोरी ने की थी। ठीक है भाई, इतनी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बताओ कोई परेशानी। फिर आगे बात कर सकते हैं इन्हीं से बात कर सकते हैं। इन्होंने ही कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराया था इन्होंने कुतुब मीनार का। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही हो तब ठीक है भाई। ठीक है, इनके समय में एक और बात रखना, तराइन का तीसरा युद्ध कब 1215 में हुआ था, 1215 में हुआ था। और किस किस के समय में हुआ था, कौन कौन थे, एक तरफ तो थे इल्तुतमिश थे, और इनका सामना जो हो रहा था वो वर्सेस कौन थे, इल्तुतमिश थे। इनका सामना जो हुआ था वह किस्सा हुआ था, वह हुआ था आपका, एक था नाम था यालदोज, क्या नाम था, यालदोज, यालदोज था, क्या नाम था,
यालदोज, ये नाम याद रखना है, इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज के बीच में हुआ था। इतनी बात आप बताइए कवर कर लिया आपने, इतनी बात कवर कर ली हो तो आगे करते हैं। इन्होंने कहने का मतलब यह है कि न्याय का घंटा, न्याय का घंटा बनवाया था। क्या बनवाया था? न्याय का घंटा, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में चांदी का तो क्या होता था, टका, ठीक है। और तांबे का जीतल, तांबे का क्या था, जीतल नामक सिक्के जो थे बनवाए चलाए थे, क्या चलाए थे, सिक्के, नामक सिक्के चलवाए थे। चांदी का टका, तांबे का जीतल सिक्का चलवाए थे, ठीक है भाई। अब बताओ इतनी बात अगर आपको यहाँ से समझ में आ गई हो तो ठीक है, कर लो इसको नोट जल्दी से, एक बार रिकॉल करेंगे हम इनको, जल्दी से नोट करो इसको, बढ़िया तरीके से नोट करो, बिंदास तरीके से नोट करो, ठीक है। क्या मतलब है इल्तुतमिश, क्या है इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम कहा गया, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान बना, दिल्ली का पहला वास्तविक सुल्तान बना, राजधानी लाहौर से दिल्ली, तुर्क ए चहलगानी, 40 सरदारों का विश्वासनीय, 40 सरदारों का एक संगठन और एकता प्रणाली शुरू करी थी जो गोरी ने सबसे पहले शुरू की थी, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। और त्राइन का तृतीय युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध हुआ जो 1215 में हुआ, इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज के न्याय का घंटा शुरू कर पाया इन्होंने, और यहाँ पर चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के शुरू कराया, शुद्ध अरबी सिक्के जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शुद्ध अरबी सिक्के भी हम यहाँ से कह सकते हैं। इतना हमने कवर कर लिया है, चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद में एक कमज़ोर शासक आया था, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ना जानकारी अगर होगी तो मज़ा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया, जानकारी अगर होगी तो मज़ा आ जाएगा, पूरी तरीके से क्लास में मज़ा आ जाएगा, बिंदास तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति बना था रुकनुद्दीन फिरोज, कौन बने थे, तीसरे शासक के में रुकनुद्दीन फिरोज बने थे, और ये 1236 तक ही थे, 1236 तक ही रहे थे, और इनकी कहानी कुछ आगे थी नहीं। इन्होंने क्या था, इन्होंने यानी इनके वंश में एक शाह तुर्क थी, मतलब इनकी माता का नाम जो था, अगर हम बात करें इनकी माता कौन थी, माता जिनका नाम क्या था, शाह तुर्कान, क्या नाम था, शाह तुर्कान, इनकी माता का नाम था शाह तुर्कान, ठीक है। तो शासन इन्हीं के हाथ में था, यानी क्या था, शासन इन्हीं के हाथ में था, ठीक है, यानी कि सारी सत्ता माँ के हाथ में, सारी सत्ता माँ के हाथ में, और जो कैसी थी, बहुत क्रूर थी, क्या थी, बहुत क्रूर, ठीक है भैया, बहुत क्रूर थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अगली शासक जो बनी और जो किसकी उत्तराधिकारी थी, इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी, वो कौन बनी, रजिया सुल्तान बनी, ठीक है, जिनका शासनकाल जो था 36 से 40 तक रहा, 1236 से लेकर 40 तक रहा, आगे की सुल्तान ये बनी, ठीक है भाई। अब ये क्या था, ये कैसे बनी, एक तो रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध जो जनता थी वो और अमीरों है, यानी कि अगर हम बात करें तो इनके विरुद्ध जो जनता थी उनका फ़ायदा मिला और कुछ अमीर लोगों का फ़ायदा मिला, इन दोनों से मिलकर जो है इन्हें गद्दी मिल गई, कहाँ की गद्दी मिल गई, लाहौर की गद्दी इनको मिल गई, समर्थन मिला। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है इनका, पहली मुस्लिम महिला शासक, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है इनका, ठीक है। फिर बात आता है कि इन्होंने एक व्यक्ति था अल्तुनिया, क्या नाम था एक व्यक्ति, इन्होंने भटिंडा का एक व्यक्ति था, यानी कि भटिंडा का मैं एक व्यक्ति नाम बता दिया था, सॉरी, भटिंडा का एक व्यक्ति था, भटिंडा का इक्तदार किसे बनाया था, भटिंडा का इक्तदार किसे बना दिया था, वो बनाया था अल्तुनिया को बना दिया था, और अल्तुनिया ने अमीरों का सहयोग करके, अल्तुनिया ने क्या काम करा, अमीरों का सहयोग लेकर जो है रजिया सुल्तान पर कर दिया आक्रमण, ठीक है। यानी कि अल्तुनिया महिला शासन समझकर, ऐसे मान के चलिए कि ये पुरुषों की तरह टोपी पहनकर, पगड़ी पहनकर, ठीक है, और पोशाक मर्दों वाली पहनकर जो है पहली बार जो सभा में आई, तो इनसे जो थे कुछ जो सभा के लोग थे, अमीर लोग थे, वो चिढ़ गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मर्यादा सारी खत्म कर दी। तो यहाँ के इक्तदार कौन थे, भटिंडा के इक्तदार थे कौन, अल्तुनिया, और अल्तुनिया को किसने बनाया था, रजिया सुल्तान ने बनाया था।
तो अल्तुनिया ने किसका फ़ायदा लेकर, अमीर लोगों का, जो अमीर लोग थे उनका फ़ायदा लेकर, जो मतलब अमीर लोगों का जो एक संगठन था, ठीक है, अमीर लोगों का संगठन कौन था, तुरुक चहलगानी, ठीक है, उसी में एक व्यक्ति था बलबन, ठीक है, बलबन देखो कब से यहाँ था, तो बलबन तुरुक चहलगानी का एक सदस्य था, ठीक है। अब देखो ये रजिया सुल्तान को हटाने के षडयंत्र में भी बलबन शामिल था, उस समय पर बलबन भी शामिल था उसे हटाने के में, तो अमीरों के सहयोग से जो है अल्तुनिया को हटाने के लिए जो है रजिया सुल्तान को हटाने के लिए जो है अल्तुनिया के साथ कौन हो गए, बलबन हो गए और भी सरदार हो गए जो 40 सरदार थे वो। परंतु क्या था कि रजिया सुल्तान बहुत चालाक थी, रजिया सुल्तान ने जो था अपना विवाह जो है किसके साथ कर लिया, अल्तुनिया के साथ कर दिया, अल्तुनिया से कर लिया विवाह। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है भैया, तो विवाह कर लिया। अब बात आती है कि इनके समय में एक शासक और था, इनके समय एक व्यक्ति था कहाँ का, अभिसीनियाई गुलाम था, एक जो खरीद कर लाए थे अभिसीनियाई गुलाम, और उस गुलाम का नाम जो था वो क्या था, याकूब था। तो इन्होंने जो है याकूब को बनाया था अमीर ए अखतूर बनाया था। आई थिंक ये क्या होता था, अश्वशाला का अध्यक्ष होता था या अश्वशाला का प्रधान होता था, क्या होता था, अश्वशाला का प्रधान, ठीक है, ये जो पद था, तो ये बना दिया था इन्हीं के समय में, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या हुआ कि 1240 में कब की बात है, 1240 में है, ज़्यादा दिखा ध्यान दो मत, 1240 में ये अल्तुनिया के साथ जो है लाहौर आ रही थी, सॉरी दिल्ली आ रही थी, लाहौर से कहाँ आ रही थी, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली आते समय डाकुओं ने हत्या कर दी, डाकुओं ने क्या कर दी थी, हत्या, इस वजह से जो है इनका शासन जो हो गया था यहाँ पर समाप्त हो गया था, ठीक है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अमीरों से मिलकर जो है बहराम शाह को बना दिया गया शासक, क्या बना दिया गया, अगला शासक बहराम शाह को, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, भटिंडा के इकतदार बनाया किसको, अल्तुनिया को, विवाह बाद में अल्तुनिया ने इन पर विद्रोह कर दिया, विवाह कर लिया अल्तुनिया से, सीनियर गुलाम जो थे याकूब से अमीर आखूर बनाया उन्होंने। अब 1240 में अल्तुनिया के साथ दिल्ली आते समय डाकुओं ने इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में जो अगले शासक जो बनकर आएंगे वो कौन आएंगे, अगले शासक जो आएंगे वो बहुत कमज़ोर शासक के रूप में थे, जिनका नाम है बहराम शाह, ठीक है भैया, बहराम शाह हैं। इनका शासन कब तक है, 1240 से लेकर 42 तक, ठीक है, 1240 से 42 तक थे। तो यहाँ पर एक नया पद सृजन किया था इन्होंने, पहले तो ये कि गद्दी ने किससे मिली थी, तो अमीरों के समर्थन से गद्दी। देखिए अभी भी अमीरों में एक शामिल है कौन, बलबन अभी तक चल रहा है अमीरों में, ये तुर्क चहलगानी का सदस्य बनकर चल रहा है बलबन, आगे जाके पद मिलेगा। तो इन्होंने एक पद सृजन किया था, नया पद इन्हें एक मिला जिसका नाम था नायब ए मुमलिकात, एक नया पद ये बना, ठीक है। ये पद क्या था कि संपूर्ण अधिकार स्वामी का होता था, इसमें क्या होता था, जो भी इस पद पर रहता था तो क्या था, ये संपूर्ण अधिकार स्वामी का, तो ये था संपूर्ण अधिकार स्वामी के यहाँ से, ठीक है। 1241 में इन्हीं के समय पर जो है मंगोलों ने आक्रमण किया था, 1241 में क्या कर रहा था, मंगोलों ने आक्रमण किया था, ठीक है। और 1242 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। तो इनका शासन केवल इतना सा याद रखना है, और कोई बात इसमें याद रखनी नहीं है, यानी कि बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक रहे, अमीरों के समर्थन से गद्दी प्राप्त हुई, नया पद एक नायब ए मुमलिकात हुआ जो पूर्ण अधिकार इसमें, तो इन्होंने यही अधिकार अपने आप को लिए थे, ठीक है। 1241 में मंगोलों ने आक्रमण करा, इनकी मृत्यु हो गई 1242 में।
इनके बाद में जो शासन कौन बने, इनके बाद में बने अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह बने, कौन बने इसके बाद में शासक, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह ये बने अगले शासक। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, इनका शासनकाल 42 तक रहा था, 1242 में ही इनका शासन समाप्त हो गया था। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूँ, इनके समय पर एक शासक था, इनके समय पर एक शासक था जो मतलब एक अमीर था, बलबन। बलबन, ठीक है, बलबन नामक अमीर शक्तिशाली हो गया था। कैसा हो गया था, शक्तिशाली हो गया था बहुत इस समय पर, कैसी, अपनी लगन, अपनी तपस्या, अपनी मेहनत के साथ साथ। ठीक है, और इन्ने का काम कर रहा था, ये इन्ने का काम कर रहा था, समझ लो। इसे बलबन को जो तुर्क चहलगानी बनाया था वो किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, तो दूध का कर्ज तो निभाया गई। ठीक है, तो इसने के काम करा बलबन ने, बलबन ने क्या करा, अब देखो सुन लो, इस बात को समझ लो, बलबन ने क्या काम करा, अलाउद्दीन, किसे, अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर, ठीक है, आप तो गुलाम था तो बंदी बनाकर, ठीक है, बंदी बनाकर जो है इल्तुतमिश के पोत्र, किसके, इल्तुतमिश के पोत्र, इल्तुतमिश के पोत्र जिसका नाम था नसरुद्दीन मसूद। क्या नाम था, नासिरुद्दीन मसूद। ठीक है, नासिरुद्दीन मसूद को जो है गद्दी पर बैठा दिया। क्या बैठा दिया, गद्दी पर, दिल्ली से। तो ये थी इसकी कहानी। अलाउद्दीन मसूद था, बना था 42 में, तो बलबन नामक एक अमीर था वो शक्तिशाली हो गया था, और बलबन ने जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर, जो शासक था उसे बंदी बनाकर, ठीक है, कहाँ कर दिया था, उसके पोत्र इल्तुतमिश का पोत्र जो था, ठीक है, उसको नसरुद्दीन मसूद को जो है गद्दी बैठा दिया था। तो ये तो पक्का पता चल गया होगा, अब शासन जो आगा किसका आगा, वो आगा इल्तुतमिश के पोत्र, किसका, नसरुद्दीन मसूद का। ठीक है भैया, किसका आएगा, नसरुद्दीन मसूद का। तो अब जो बात करने वाले हम करने वाले हैं नए शासक नसरुद्दीन मसूद ने सबसे लंबे समय, सॉरी अब तक लंबे समय शासन करा, 1242 से लेकर और कब तक, 65 तक शासन किया। ठीक है, तो एक और बात, इन्होंने जो था, सबसे पहली बात तो ये, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, उलूग खां की उपाधि दी, पहली बात ये आई। ठीक है, आ रही बात समझ में। और दूसरी बात, गद्दी जो मिली थी बलबन की सहायता से मिली थी, इसलिए बलबन को क्या बना दिया था, बलबन को बना दिया था नायब ए मुमलिकात। ठीक है, और ये क्या था, नाम मात्र का शासक था। कौन, नसरुद्दीन मसूद। इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है, नाम मात्र का शासक था। ठीक है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर, ठीक है, और क्या था, ये बहुत शक्तिशाली हो गया था बलबन जो था इसके समय पर, अब शक्तिशाली हो गया था, पूरी शक्ति जो है किसके हाथ में आ गई थी, पूरे अधिकार किसके हाथ में आ गए थे, बलबन के हाथ में आ गए थे। और इन्हें अपनी पुत्री, यानी बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, विवाह सुल्तान से कर दिया। ये भी बात याद रखना, और जो सुल्तान से विवाह कर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ कि बलबन ने स्वयं जहर देकर क्या कर दी थी इसकी हत्या कर दी थी। तो नसरुद्दीन मसूद का जो है यहाँ से चैप्टर हो गया था क्लोज। ये वजह थी कैसे कैसे वो गद्दी प्राप्त कर रहा था, ये तो आपको पता चल गया है। ठीक है, कैसे कैसे गद्दी प्राप्त कर रहा था, क्या, बलबन को अलूक खां की उपाधि दी, गद्दी बलबन की सहायता से प्राप्त हुई इसको, अब बलबन नायब ए मुमलिकात बन गया था, और नाम मात्र का शासक था ये, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया था, और बलबन ने स्वयं जहर देकर जो है इसको मार दिया।
ठीक है, आप सीधे सीधे तौर पर आप बता दीजिए कि आपको किसका आने वाला जिक्र, वो आने वाला है बलबन का। किसका जिक्र आने वाला है? बलबन का जिक्र आने वाला है। आप लोगों को पता है, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ से, ठीक है, घबराने की कोई बात है नहीं। बलबन का शासन जो चला था, बलबन का शासन चला था वो 1266 से लेकर और 86 तक, कहीं कहीं 65 भी लिखा हुआ, तो घबराना मत। तो ये था इनका शासन। सबसे पहली बात ये इलवरी तुर्क मंगोलों ने इसे बेचा था। क्या था ये? इलवरी तुर्क ने मंगोलों को बेचा था। इलवरी तुर्क को मंगोलों ने बेचा था। पहली बात तो ये आ गई यहाँ से, ठीक है, इन्हें बात ही आ गई, ठीक है। और इसे ख़रीदा किसने था? इल्तुतमिश ने ख़रीदा था, ठीक है। इतनी बात ही आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब हम आपको एक और बात बताने वाले हैं, इसने क्या काम करा। देखिए, रजिया सुल्तान को हटाने के षड्यंत्र में शामिल है, ठीक है। फिर रजिया सुल्तान के बाद में बहराम शाह को हटाने में शामिल, फिर नसीरुद्दीन मसूद को भी हटाने में शामिल रहा, अलाउद्दीन मसूद को भी पद से हटाया। इन सबको पद से हटाने के बाद में जब जाकर ये वाला पद इनको मिला था, ठीक है भैया। इतनी बात थोड़ी सी अभी याद आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक और बात हम यहाँ करें कि इसने आके क्या काम करा। इसने आके सबसे पहले तो एक काम करा कि तुर्क ए चहलगानी संगठन समाप्त कर दिया। संगठन क्या करा? समाप्त। क्यों कर दिया समाप्त? क्योंकि इसमें 10 लोग रहते थे, इसे ऐसा लग रहा था बेकार है। फिर जिले इलाही उपाधि धारण की इसने, क्या करी? जिले इलाही उपाधि धारण की। इतनी बात थोड़ी सी याद रखेंगे। सेजदा और पोबोस नामक प्रथा, नवरोज उत्सव भी चलवाया। नवरोज उत्सव सैन्य विभाग में एक पद था, दीवान ए अर्ज नाम का एक पद चलाया, जो क्या था? गुप्तचर विभाग का था, ठीक है। फिर कहने का मतलब यह है कि आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या था, एक काम और किया था, लाल महल दिल्ली में बनवाया था। और एक बलबन का मकबरा बना था। ये वही मकबरा था जहाँ पर क्या था, मेहराब, यानी वैज्ञानिक पद्धति से पहला मेहराब बना था। ये वही था, ठीक है, ये वही था। और बात आती है इनकी मृत्यु, इनका बेटा जो था उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका दुख इन्हें बहुत ज़्यादा हुआ था। और बेटे की, शहजादे की मृत्यु के बाद जो है ये बीमार पड़ गए थे, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि इनकी जब मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1286 तक में इनकी मृत्यु हुई थी। और बताया जाता है कि इनकी मृत्यु होने पर लोग जो इनकी मृत्यु से दुखी थे, वो लोग इनके जो शव था उसको कब्रिस्तान में नंगे पैर ले गए थे, कपड़े फाड़ दिए थे उन्होंने और सिर पर धूल उड़ाई थी। इन्हें बहुत दुख था, किसका? बलबन के मरने का, ठीक है भाई, कि ऐसा राजा जिसने बहुत सारे कुरूतियाँ ख़त्म कर दी थी, ठीक है, तो उनको बहुत दुख था, ये बताया जाता। परंतु इनके मरने के बाद जो थे गुलाम वंश जो था लगभग 4 साल और टिका, और उसके बाद जो है खिलजी उन्हें इस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या है,
कि तो इलवरी तुर्को ने मंगोलों को बेचा था, रजिया सुल्तान को हटाने के लिए षड्यंत्र में शामिल था, बहराम शाह को हटाया, अलाउद्दीन महसूद को हटाया, नसीरुद्दीन महसूद को, और बलबन इल्तुतमिस की तुर्के चैलगानी का सदस्य था, ठीक है, और तुर्के चैलगानी संगठन को समाप्त करा बाद में इनने, और जिले इलाही उपाधि धारण करी, ठीक है, सिजदा और पवोस चलाया, नवरोज उत्सव चलाया, सैन्य विभाग में दीवान अर्ज यानी कि उपतर विभाग बनाया, लाल महल दिल्ली में बनवाया, बलबन का मकबरा बनवाया जो कि वैज्ञानिक पद्धति से पहला मेहराब बनवाया था इसमें, और मृत्यु हुई 1286 में। इसके बाद जो है आपका एक बंद जो है गुलाम बंद यहाँ से हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो कल इसके बाद जो है क्लास जो है कि कल के लिए आ जाएगी, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे क्या होना है, खिलजी बंश में कितना है, तुगलक बंश में कितना है, सैयद बंश में और लोधी बंश में कितना है, तो आपको लगातार क्लास मिलेंगी। और अगर आपको सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपको पूरी कंप्लीट तैयारी होने वाली है पैट की, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।